शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। अलग अलग तकदीर है सबकी, अलग अलग है बोली, अपने अपने धंधे सबके अपनी अपनी टोली। अजब तमाशा है ये नगरी, दुख में हंसते गाते हैं, अपनी बर्बादी का यारों ये तो जश्न मनाते हैं। मिलते हैं, बिखरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मिलते बिछड़ते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, मिलते संभलते हैं यारों। चाहे किसी भी नाम से तुम इनको पुकारो, ये सारे हैं बक्सर। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। नुक्कड़ के सारे बाशिंदे तकदीरों से पकड़। बड़े शहर की एक गली में बसा हुआ है नुक्कड़। प्लंजेस इनटू डिच ने सतारा। बाबा रे बाबा, आदमी देख के कैसा देखो? वही तो किया उसने। करीम भाई, अपन इधर झाड़ू मार रहा है और तुम इधर कचरा फेंक रहा भाई है। अरे मियां, अगर सफाई का इतना ही शौक है तो म्युनिसिपैलिटी को बोलो एक डब्बा लाके रख देगी। अरे म्युनिसिपैलिटी अगर डब्बा रखेगा भी ना तो तुम लोगों का हालत इतना खराब है कि तुम इधर ही फेंकेगा। नुक्कड़ ढूंढ ही लिया, जिस नुक्कड़ की तलाश थी आज मिल गया। मोर वाले, मोर को काट के खा जाओ। तगड़े करीब हमेशा की तरह लड़ रहे हैं आपस में। तू मेरा क्या कर लेगा यार? क्या लेगा, यही बात देखेंगे। जब डब्बा नहीं है तो मैं तेरा बहुत इज्जत कर रहा हूँ। इज्जत नहीं करेगा तो और क्या करेगा? इज्जत तो तेरे को करना ही पड़ेगा। अरे जा जा, बाल काट, बाल काट, हजाम कहते हैं लोग। अरे जा, अरे करीब यार, बाल काट, बाल काट, मैं तेरे को बताता हूँ। अरे तू क्या बताएगा? समझा ले गुरु, इसको तू सुन। अरे काट यार, काट दूंगा। अभी मैं आ रहा हूँ, आज करीब आता हूँ। क्या बता भाई, आज झगड़ा मत कीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, आजकल भी आप लॉटरी का टिकट लेते हैं? अरे कुछ नहीं यार, सब अपने को बेवकूफ बनाता है। अपुन ने लॉटरी का टिकट ही लेना छोड़ दिया यार। और वो प्यारी अभी भी सपने में आती है? छोड़ यार, एक बार आई थी और क्या उसने छेड़छाड़ किया था, छेड़छाड़ किया था। उसके बाद तो कभी आयश नहीं यार। सबसे तो अपुन है, नुक्कड़ है, झाड़ू है, ये करीम जैसा। जाने दो, चुप। पन भाई, हाँ? तुम तो इधर नया है, पहली बार मैं तेरे को देख रहा हूँ, तुमको ये सब कैसे मालूम? भैया मैं इस नुक्कड़ में ही नहीं, इस शहर में ही पहली बार आया हूँ। और मैं आप सबको जानता हूँ। हम सबको जानता है? अजीब बात है, पहली बार आया है और हम सबको जानता है। कादर भाई, वाह कादर भाई, वाह वाह कादर भाई, वाह वाह कादर भाई। कादर भाई वो किधर है? क्या किधर है? वो नकली बाल जानू मैं। कादर भाई गुस्सा मत कीजिए, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था। ये बंदर कौन था? मालूम नहीं, मेरे को भी जानता है। नंबर 242 क्या रे? पुलिस वालों का कोई दोस्त नहीं होता, वर्दी का इस्तेमाल करो। भूल गए, साहब ने क्या कहा था? क्या? पुलिस वालों का कोई दोस्त नहीं होता, उनका सिर्फ इज्जत होता है, इज्जत। और ये तुमको कैसे मालूम? मुझको सब मालूम है। ए, करीम भैया। अरे ये गणपत, ये सीआईडी वाला है क्या? करीम भैया, करीम भैया, अच्छा हुआ अब दुबई नहीं गए, नहीं तो हमारी मुलाकात ही नहीं हो पाती। अरे मियां खान, आप क्या मुझसे मिलने आए हैं? हाँ, वो आपका भतीजा हमीद बहुत अच्छा लड़का था। क्या शिकवे गिले, दिल दिल से मिले,
नफरत से कोई मतलब ही नहीं, आशिक में गिले दिल दिल से मिले, नफरत से कोई मतलब ही नहीं, आशिक में गिले दिल। आप के दोस्त हो? नहीं, मगर मैं आपको जानता हूँ। हाँ, लेकिन कैसे? अरे म्याहा, अरे भाई कुछ बताओगे तो सही। अरे ये है कौन? अरे दुखिया जी। हाँ जी। आदाब आदाब बाबूजी, एक शेर सुनो। अरे नहीं दुखिया जी, आज मैं सुनाऊंगा आपको, सुनो। कल रात वो पेड़ पर सो रहे थे, मैं नीचे सड़क पे खड़ा जाग रहा था, वो उल्लू कि मैं उल्लू कोई क्या जाने। अरे ये तो मेरा शेर है, तूने कहाँ से मार लिया ये? मैंने कब कहा कि मेरा है? पर आप है कौन? आपका दोस्त। ओए कौन है भैया? हद हो गई, ये तुझे भी जानता? पर है कौन ये कादर भाई? कौन है ये? भी आ गया। अरे लेकिन ये है कौन यार? मैंने उसको दिया ये फूल यार। अबे तुम लोग कुछ बोलोगे भी कैसे, खड़े रहोगे? एक आदमी बोलो, एक आदमी बोलो। गुरु मैं बताता हूँ। बताओ। वो आदमी देख रहे हो? वो हम सबको पहचानता है। बोलेगा तो? अरे गुरु वो आदमी अपन सब लोग का सीक्रेट भी जानता है मालूम क्या? ऐसा क्या? हाँ गुरु सब कुछ जानता है, और ऊपर से खोपड़ी को ऐसे दो रुपये दे दिया। मेरे को भी, मेरे को भी। कौन है, क्या है, किसकी बात कर रहा है? मुझे तो वो सीआईडी का आदमी लगता है। अरे यहाँ कौन से चोरू चक्के बैठे हैं? अरे पर बोलना किसकी बात कर रहे हैं? वो साहब है ना, वो आदमी। हाँ हाँ वही वही, सबका सीक्रेट जानता है, तेरा भी। रोखा कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये हम सबको ऐसे कैसे पहचानता है? हाँ, बाबूजी कमाल है, ये सब कुछ जानता कैसे, ये समझ नहीं आ रहा। अरे आखिर पता तो लगे ये है कौन। बुलाता हूँ इसको। ओ भाई साहब। हाँ जरा इधर आना। अरे गुरु, अरे गुरु मैं तो तुम्हारे पास ही आ रहा था, कैसे हो दोस्त? अरे दादा तुम कैसे हो? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलो आओ उधर बैठते हैं अपन, कादर भाई की दुकान पर। हाँ चलो कादर भाई की दुकान पर बैठते हैं। चलो करीम भैया चलो, आप भी चलो। मैं भी चलो। अरे दगड़ू चलो ना, अरे आओ गणपत भैया, गणपत गणपत बोलो। अरे आओ राजा, अरे गुरु बैठो, तुम यहाँ पर बैठो। तंबी सबको चाय पिलाओ। तंबी और चाय वाय दे दीजिए, पहले तू एक बात बता, तू है कौन? हाँ बता बता भाई बता। तू ऐसा है गुरु, देखो अगर तू सीआईडी का आदमी है ना तो भी वांदा नहीं, लेकिन बोल तू है कौन? नहीं 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 भाई, मैं सीआईडी वीआईडी का आदमी नहीं हूँ, मैं भी आप जैसा ही शरीफ इंसान। हाँ हाँ बरोबर है बरोबर है, मगर ये बता पपन लोगों को कैसे जाने? अरे क्या बोलता है गुरु, सिर्फ मैं ही नहीं सारा हिंदुस्तान आप लोगों को जानता है। अरे बंकर्स मत कर, बंकर्स मत कर, ये कैसे हो सकता है? अरे गुरु एक फिल्म कंपनी आप लोगों की तस्वीर उतारती है और आप हर हफ्ते टेलीविजन पर दिखाती, करोड़ों लोग देखते हैं आप लोगों को, करोड़ों लोग। क्या हम लोगों को टीवी पर दिखाता है हर हफ्ते? हाँ यहाँ जो भी होता है वो सब। हाँ सब। हाँ? अंदर की बात, प्राइवेट बात, वो भी। हाँ सब तरह की बात। ये तो लफड़ा हो गया। कुछ नहीं सब फेंकता है। क्यों साहब? अरे नहीं गुरु, मुझे तो वो भी मालूम है जो तुम सबको भी नहीं मालूम। वो क्या मियाँ?
हाँ, जैसे राधा ने सुरेश को थप्पड़ मारा था। अरे ये तो सबके सामने मारा था। लेकिन क्यों? अरे वो तो राधा को मालूम। मुझे भी मालूम है। चल फट, मुझे भी मालूम है। तो बोल दूं? बोल दे। तो सुनो, सुरेश ने कहा था, देखो शीशी तुम्हारे पास है, तलाशी हो गई तो निकलेगी भी, जेल भी हो सकती है। अगर तू कहे तो मैं सब संभाल लूंगा। बस एक रात की बात है, पैसे भी दूंगा। रहने दे, तेरे को सुरेश ने बताएगा, तो उसका दोस्त है ना। देख अभी इधर धतिंग बंद। गुरु मैं तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ जानता हूँ, बता दूं? हाँ बता। प्राइवेट बात है, बोल दूं? हाँ बोल। टीचर जी ने तुम्हें पंखा ठीक करने के लिए बुलाया था। हाँ बुलाया था, पर पंखा तो ठीक था। हाँ तो क्या बोली? क्या बोली? आना। हाँ आऊंगा, जरूर आऊंगा टीचर जी। टीचर जी नहीं तो फिर मरिया। मारिया बोला और बोलू मत, ये सब टेलीविजन पर आ जाएगा। इधर भी टीवी। अरे तुम लोगों की हरकतों को करोड़ों लोग देखते सुनते हैं। टीवी तो मैं भी जानता हूँ। वेयर इज द टीवी? ठहरो अभी पता लगा था। तूने बोला कि अपने नुक्कड़ पे कैमरा है, ये कैमरा किधर है? मुझे भी नहीं मालूम गुरु। देख झूठ नहीं बोलने का। मैं सच बोल रहा हूँ गुरु, मुझे भी नहीं पता कि है कहाँ वो। अरे अगर तेरे को नहीं मालूम कैमरा किधर है तो उधर कैसे आया? बोल। हीरो बनने। मैंने सोचा शायद मुझे भी आप लोगों के साथ टेलीविजन में आने का चांस मिल जाए, शायद कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर मुझे देखकर, मेरा टैलेंट देखकर मुझे स्टार बना दे। इसका मतलब है कि नुक्कड़ पे सचमुच कैमरा है। नुक्कड़ का कोना कोना चलना पड़ेगा। हाँ और देखो मानिकलाल और गुप्ता दोनों के घर पे देखने का। और सुनो सुनो ऐसी वैसी कोई हरकत नहीं है। लोगों ने हाफ चट्टी में देख लिया ना गुरु। मैं भी ढूंढू? नहीं तू इधर से लेगा नहीं, जब तक ये कैमरा नहीं मिलता तू इधर ही बैठे रहे। क्यों बैठे रहे? कादर वाले हीरो बनने को है दगड़ू। जो हिसाब से वो आदमी बोला ना वो हिसाब से कैमरा इधर ही किधर होना मांगता है। बराबर बोला दोस्त, इधर ही किधर होगा। ए दगड़ो अपन तो अभी ये भीख मांगना छोड़ने वाला है, और तू भी ये झाड़ू का काम छोड़ दे। अरे यार ये झाड़ू का काम छोड़ देगा तो फिर अपन खाएगा क्या? ये तो अपना टाइम पास है। अपना दो दो लड़का दुबई में, अपने पास पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। तेरा दो लड़का दुबई में कब गया रे? अभी टीवी पर देख रहा ना। अरे हाँ, मैं भूल ही गया। सर आप अपनी टोपी ठीक कीजिए ना। क्या? मालूम नहीं इस आदमी ने क्या कहा था। हाय डैड। हाँ सुरेश कैसे हो? अच्छा हाँ बेटे। देखो बेटे ये जो नुक्कड़ के भाई बहन हैं ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे अपने हैं, इन्हें प्रेम से मिलो, इन्हें अपना समझो। क्या डैड? इन लोगों से? इनकी तो मैं बच्चा है, एसएससी फेल है ना। सुनिए जी, मैं वो सोच रही थी कि अपनी राधा है ना, राधा क्यों ना उसे एक बनारसी साड़ी दे दे। बनारसी साड़ी बहुत महंगी है। ऐसा करो उसे दो बनारसी साड़ियां दो, एक ठंडी एक गर्म। ये भी सब टीवी पे आया होगा। ये भी टीवी पे आ जाएगा। कादर भाई, ए कादर भाई मैं कल जाती। क्या? जाती मैं कॉलेज। टाटा। देश में इतने प्रॉब्लम्स हैं भाई, परसों पीएम मुझे मिलने वाले हैं। मैं आपके फिल्म में हीरो का रोल करूं? नहीं नहीं, मैंने तो आपके लिए हीरो ढूंढू। राजा ये टेलीफोन नहीं चल रहा। दगड़ू भाई, गंजू भाई आओ मैं आप लोगों को एक कप चाय पिलाऊं। अपना दो दो लड़का दुबई में है, ये अपने को चाय पिलाएगा। आप उनको टाइम देंगे? ला 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 ला, कादर भाई मैं कल जाती।
राधा राधा कैसे सुरेश? बहुत अच्छा। छापड़ क्यों मारा? उस दिन तूने मुझे क्या कहा था? क्या कहा था उस दिन? वो तो बहुत पुरानी बात है ना। तो क्या हुआ सुरेश? मैं कल जाती। अपने पास पैसे का कोई वादा नहीं है। वो भी मालूम मेरे। ढूंढ ढूंढ। ए भाई साहब, अपना दो दो बेटा जो है ना दुबई में। हाँ? तो मैं क्या करूँ? ये भीख ले। हट्टा कट्टा होके भी भीख मांग रहा है। चल जा, जा। देना पड़ता है मालूम। दो दो बेटा है दुबई में। मैं भी कैमरा ढूंढू। उधर बैठो। गुरु 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 गुरु। अबे तू अंदर क्या कर रहा है? ये टीवी कैमरा एक कादर भाई से एक लुंगी मांग के धोना। काहे को? अरे वो बोलता था कि अपने को टीवी देखता है करके। अपन हाफ चड्डी में बाहर जाएगा क्या? अबे ओ गधे। ए गुरु, अपने गणपत को देखना क्या हो गया? ए पन, ये तेरे को क्या हो गया? एक गुरु, पहले गणपत को देखना। पता नहीं क्या सबके सब इधर पागल हो गए। नाटक कैमरा? अरे बाबा कैमरा ठीक है, मर तू अपना मुंह क्यों छुपा रहा है? खोपड़ी? खोपड़ी नहीं, गोपाल। गुरु मेरे को गोपाल बोल। तू खोपड़ी बोलेगा पूरे हिंदुस्तान मेरे को खोपड़ी बोलेगा। मैम एक गुरु, पहले गणपत को देखना। चल चल गोपाल। कैमरा सीधा चल, सीधा चल। ए गणपत बाहर निकल। नहीं बाहर निकल, मैं बाहर नहीं आएगा। कदर भाई, कदर भाई, कदर भाई, एक लुंगी थोड़ा। अरे मेरे पास एक ही लुंगी, चल भाग यहाँ से। तो मैं हाफ चड्डी में घूमेगा क्या? भोपाल मेरा वतन। अरे रहीम चाचा, छत्ते वाली फूफी, सन्मापा, सैफ भैया, सैफ भैया, टीवी के द्वारा मेरा आप लोगों को सलाम पहुँचे। अरे मुझे अब खत लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टिकट के पैसे बच गए। आप सब लोगों को, आप सब लोगों को ईद मुबारक। अपना दो दो लड़का दुबई में है, पैसे का कोई कमी नहीं। तुमको जरूरत हो तो मेरे से मिलना। अरे हमको मालूम, चलना बाबा। अब मैं कॉलेज जाती, जाती मैं कॉलेज। तो जा, कॉलेज जाती मैं। माँ क्या हो गया तुमको? माँ तुम ऐसे क्यों पड़ी हुई हो? माँ तेरी तो ये तेरी पूरी लगाई हुई आगे। दुबई में है। भाई साहब ये आप मेरे साथ क्या कर रहे हैं? मैं इतनी दूर से इतनी मुश्किल से यहाँ आकर पहुँचाऊँ और ये लोग मेरे सामने मेरा चांस खराब कर रहे हैं। अरे हीरो तो मैं बनने आया था और बन रही है। को उधर जाने। हाँ उधर। हाँ जा उधर घुस जा। हाँ ये क्या हो गया? अपना दो बेटा है दुबई में। जेंटलमैन माय नेम इज सुरेश। चुप है, मैं कॉलेज जाती हूँ। कुंडू कुंडू माफ करना, अपना आधी चलते हैं। हमने इसको पकड़ लिया, सबको ले लिया, हम उनको अवार्ड मिलने चाहिए। इधर पटनी, इधर पटनी। माँ ये तूने क्या किया? क्या है कि गुप्ता जी है ना, मेरे लिए काठियावाड़ी कंगन यानी काठियावाड़ गए हैं। मैंने इसके किया।
किधर है? मुझे नहीं मालूम। माँ, ये क्या हो गया माँ? ये क्या हो गया माँ? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? मिल गया आप उनको कैमरा मिल गया। अपुन कुंडू, अब माफ करना, अपन चड्डी पहने लाए क्या? अधिक अधिक उधर देख, तेरे वास्ते सब लोग कितना परेशान होने लगा है। अपन मिला किसको? अपुन को, कुंडू मोची को। इतने बड़े शहर में अपुन को जास्ती नहीं मांगता है क्या? वो थोड़ा मांगता है, पर वो थोड़ा भी नहीं मिला। अब मिला क्या तू? अरे अपुन को इतना रोज नंगा देखकर तेरे को शर्म नहीं आया क्या? हाँ अपुन जानता है तू सब कुछ देख सकता है, पर कर कुछ भी नहीं सकता है अपुन के वास्ते। छोटा बोला क्या? नहीं ना। अरे अपन तो खाली मरेला चमड़ा ठोकता है, पर उधर जिंदा चमड़े को लोग कैसा कैसा ठोकता है वो तू नहीं दिखाया होगा। पर इसमें तेरा गलती नहीं है, जो लोगों को पसंद होएगा ना वही तो तू दिखाएगा ना। ओ देख दगड़ू, उसका कोई बेटा दुबई उबई नहीं गया है, वो झूठ बोलता है। तेरे को भी मालूम है और मेरे को भी मालूम है। और वो राधा जूठा बर्तन साफ करती है पर कॉलेज नहीं जा सकती, और वो सब वही दिखा रहे हैं जो वो बनना चाहते हैं पर बन नहीं सकते। दोस्त मैं एक बात बोलेगा, बुरा नहीं मानने का क्या? तू भी अपुन को एक फुल पेंट नहीं दिलवा सकता क्या? बंद, ये क्या हो गया तुम लोगों को? मैं तो इस आदमी के साथ साथ तुम लोग भी पागल हो गए। इधर आ तू, ये सारी आग तेरी लगाई हुई। बोल किधर से आए तू? किधर से आए? पटना से। तो चल निकल जा इधर से, नुक्कड़ से निकल जा। गुरु प्लीज एक चांस लेने दे। देखो बोला मैं निकल। अरे मेरा जैकेट। इसका जैकेट किसके पास है? मेरे पास है गुरु। ले तेरा जैकेट निकल। अरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, अगर कोई देख ले तो मुझे चांस देना प्लीज। मेरा नाम है रवि कुमार, मेरा पता 140 नंबर किनारा बाजार पटना। और ये तुम लोगों पर क्या पागल पला छाया हुआ है? अरे कैमरा लगा है तो क्या हम लोग अपनी जिंदगी का स्टाइल बदल लेंगे? अरे लोग देखते तो देखे, हम लोग यहाँ पर कोई नकली जिंदगी नहीं जीता। तू दगड़ू, तू यहाँ झाड़ू मारता है ना? हाँ गुरु। तू उसमें बुरा क्या है? बुरा क्या उसमें? कुंडू किधर है? तू इधर आ, इधर आ कुंडू। तू लोगों के जूते पॉलिश करता है ना? पॉलिश करता है ना? तो इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? तू मेहनत करता है, किसी को धोखा तो नहीं देता। चलो जाओ अपना अपना काम करो।